हेलो दोस्तों, अभी वर्तमान में हम आपको बताना चाहते हैं कि वर्तमान में क्या कुछ नया चेंज हुआ है। वर्तमान में चेंज क्या कुछ नया चेंज हुआ है हम ये आपको बताने जा रहे हैं। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू, जो पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, उनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 2019 से लेकर 6 अगस्त 2020 तक था। इसके बाद जो वर्तमान में मनोज सिन्हा बने हैं, उन्होंने अपना ऑफिस 7 अगस्त 2019 से लिया है और अभी वर्तमान में वही है। और आप जानते हो, वर्तमान में हम बता देना चाहते हैं कि गिरीश चंद्र मुर्मू, जो इससे पहले वहाँ के उपराज्यपाल थे, उन्होंने वो गिरीश चंद्र मुर्मू अभी वर्तमान में उन्होंने केक का कार्यकाल लिया है। केक होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और मनोज सिन्हा अभी वर्तमान में जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। और वहाँ पर राष्ट्रपति का सत्र, राष्ट्रपति हमारे राजनाथ माननीय रामनाथ कोविंद जी है। तो जम्मू कश्मीर के अभी वर्तमान जो उपराज्यपाल हुआ है मनोज सिन्हा, गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपना का कार्यकाल 31 अक्टूबर 2019 से लेकर 6 अगस्त 2020 तक ही था। इसके बाद 7 अगस्त 2020 से जो है मनोज सिन्हा जी अब जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल होंगे।